एकता कपूर आज टीवी की सबसे बड़ी महारानी हैं। हर चैनल पर उन्हीं का शो टीआरपी रेटिंग्स में टॉप पर चलता है। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? 23 साल से एक ही लड़की टीवी पर क्यों राज कर रही है? तो हम आपको बताते हैं एकता कपूर की वो पूरी कहानी जिसने उन्हें टीवी क्वीन बना दिया। एकता ने 23 साल पहले मानो या न मानो सीरियल से टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद एकता ने हम पांच, कोशिश एक आशा और कसम जैसे कई सीरियल्स किए। इन सीरियल्स ने एकता को टेलीविजन की दुनिया में पहचान तो दिला दी, लेकिन एकता की प्यास अभी खत्म नहीं हुई थी। और फिर धीरे धीरे एकता के करियर में पांच ऐसे टीवी शोज आए जिसने हर किसी को दंग कर दिया और एकता की झोली में भर दिए करोड़ों रुपए। देखिए कौन से थे वो पांच टीवी शोज। पहला टीवी शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल टेलीविजन की दुनिया में एकता कपूर की पहली क्रांति थी। इस सीरियल की शुरुआत साल 2000 में हुई थी, जो कि लगातार 8 साल तक लोगों के दिलों पर राज करता रहा। इस शो से एकता कपूर के अलावा जिस एक और शख्स को पहचान मिली वो थी स्मृति ईरानी। और आज की तारीख में स्मृति ईरानी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। दूसरा टीवी शो कहानी घर घर की। इस टीवी की शुरुआत भी साल 2000 में ही हुई थी। अगर क्योंकि सास भी कभी बहू से देश को तुलसी यानी कि स्मृति ईरानी मिली थी, तो कहानी घर घर की से मिली थी पार्वती यानी कि साक्षी तंवर। इस सीरियल में ओम और पार्वती का किरदार काफी मशहूर हुआ था और एकता कपूर के शो ने अपनी कहानी के लिए खूब सुर्खियां भी बटोरी और ढेर सारे पैसे भी कमाए। तीसरा टीवी शो कसौटी जिंदगी के। साल 2001 में शुरू हुए इस टीवी शो ने तो जैसे एकता की किस्मत ही बदल डाली। इस सीरियल में मिस्टर बजाज, अनुराग और प्रेरणा की लव स्टोरी लोगों को खूब पसंद आई और ये शो इतना फेमस हुआ कि इसकी सक्सेस ने एकता को कामयाबी के सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। ये शो की पॉपुलैरिटी का ही नतीजा था कि 17 साल बाद एक बार फिर से इस लव स्टोरी को दोबारा नए सिरे से दिखाया जा रहा है। आपको बता दें कि कसौटी 2 में एरिका पारसमथान और करण सिंह ग्रोवर इम्पोर्टेंट रोल्स प्ले कर रहे हैं और ये टीवी शो भी काफी हिट है। चौथा टीवी शो कहीं तो होगा। साल 2003 में सुजल और कशिश की लव स्टोरी को एकता ने जैसे ही पर्दे पर उतारा एक और धमाका हुआ। ये शो भी पॉपुलैरिटी और कमाई के मामले में काफी हिट साबित हुआ। और पांचवा टीवी शो पवित्र रिश्ता। एकता का ये सुपरहिट शो साल 2009 में शुरू हुआ था और 5 साल तक एकता के इस पवित्र रिश्ते ने दर्शकों को उनके शो से बांधे रखा। एकता के इस शो में बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और एक्ट्रेस संगीता लोखंडे मेन लीड्स में थे। इसी शो से सुशांत को फिल्मों में ब्रेक भी मिला और आज की तारीख में वो बड़े स्टार बन चुके हैं।